नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार बारहठ, सहायक आचार्य संस्कृत। आज हम स्नातक तृतीय वर्ष में चलने वाले तर्क संग्रह के विषय में चर्चा करेंगे। तर्क संग्रह अंश है वो दर्शन से संबद्ध है और वो न्याय वैशेषिक श्रेणी का ग्रंथ है, न्याय वैशेषिक दर्शन का अनुषंगी ग्रंथ है। तर्क संग्रह के रचयिता अन्नम भट्ट है। तर्क संग्रह के अंशों से पूर्व हम दर्शन के विषय में संक्षेप में जानकारी प्राप्त करते हैं। दर्शन शब्द दृश धातु से ल्युट प्रत्यय से निष्पन्न हुआ है, जिसका उत्पत्ति अर्थ देखने का साधन अथवा देखना है। वस्तुतः हम चक्षु से प्रत्येक वस्तु को साक्षात करते हैं, अर्थात देखते हैं, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा में लोगों ने इस स्थूल और भौतिक जगत से ऊपर उठकर अपने मन में कुछ जिज्ञासाएं उत्पन्न की। उन्हीं जिज्ञासाओं के समन में विविध दर्शनों का आविर्भाव हुआ। भारतीय मनीषियों ने लौकिक जीवन को अंतिम नहीं माना। उस लौकिक जीवन में जीवन, मृत्यु, दुख आदि ऐसे विभिन्न कारण थे जिनसे हमारी ज्ञान परंपरा फिर दर्शन की तरफ उन्मुख हुई। दार्शनिकों ने अपने प्रमाण और तर्कों से ऐसी गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास किया जो मस्तिष्क में जिज्ञासा वशीभूत आई। सामान्यतया वस्तु को देखना हम आंख से कर लेते हैं, लेकिन इस सृष्टि का आविर्भाव कैसे हुआ, यह किन तत्वों से निर्मित है, पदार्थ कितने हैं, ईश्वर है या नहीं है, आत्मा क्या है, सृष्टि प्रक्रिया कैसे हुई, पुनर्जन्म होता है, कर्मवाद क्या है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म और जीव का क्या संबंध है, ऐसे विभिन्न आध्यात्मिक सिद्धांतों पर विद्वानों ने अपने अलग अलग मत और तर्क प्रस्तुत किए। उन्हीं मतों में कुछ परंपराएं विकसित हो चली जो एक दर्शन संप्रदाय के रूप में हमारे संस्कृत साहित्य में और भारतीय ज्ञान परंपरा में मानी जाती है। भारतीय दर्शनों में हम षड आस्तिक दर्शनों को मानते हैं और तीन नास्तिक दर्शनों को मानते हैं। दर्शन में आस्तिकता और नास्तिकता का अभिप्राय ईश्वर को मानने अथवा ना मानने से नहीं है, अपितु वेदों को प्रमाण के रूप में मानने से और ना मानने से है। जो दर्शन वेदों को प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं वो आस्तिक दर्शन कहलाए, जो दर्शन वेदों को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं वे नास्तिक दर्शन कहलाए। षड आस्तिक दर्शनों में सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन है। नास्तिक दर्शनों में
चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन है। इस तरह से 6 आस्तिक दर्शन और 3 नास्तिक दर्शन भारतीय दर्शन परंपरा में मुख्य रूप से प्रचलित है। इनमें हमारे पाठ्यक्रम का जो अंश है तर्क संग्रह, वह न्याय वैशेषिक दर्शन परंपरा का अनुसंगी ग्रंथ है। न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम माने जाते हैं और वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कणाद माने जाते हैं। न्याय वस्तुतः वैशेषिक दर्शन और न्याय दोनों सामान्य रूप से एक जैसे दर्शन है। वैशेषिक दर्शन की पृथकता एक विशेष नामक पदार्थ को और मान लेने से है, बाकी वो न्याय दर्शन के समान है, उससे साम्य रखता है। विशेष नामक पदार्थ को और मानने के कारण उसका नाम वैशेषिक दर्शन प्रचलित हुआ। हमारा जो पाठ्यक्रम का अंश तर्क संग्रह है, उस तर्क संग्रह में भी हम प्रारंभ पदार्थों से करेंगे। तर्क संग्रह में प्रारंभ में 7 पदार्थ माने गए हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव 7 पदार्थ। अब संपूर्ण दर्शन आगे इन 7 पदार्थों का विस्तार करेगा। तो सर्वप्रथम हम इन 7 पदार्थों को कंठस्थ करें और तर्क संग्रह में 7 पदार्थ है, न्याय वैशेषिक दर्शन है, वो 7 पदार्थों की सत्ता को मानता है, ये पहला बिंदु हम तैयार करें। 7 पदार्थों में जो प्रथम पदार्थ है द्रव्य, तर्क संग्रह में द्रव्य बिंदु को पढ़ेंगे हम तो 9 द्रव्य माने गए हैं। 9 द्रव्याणी: पृथ्वी, वायु, आप, तेज, आकाश, काल, दिक, आत्मा और मन। इन 9 को द्रव्य के रूप में माना गया है, अर्थात द्रव्य 9 प्रकार के होते हैं। इन 9 द्रव्यों में हम सबसे पहले पृथ्वी को पढ़ेंगे। पृथ्वी जो हमें सामान्य रूप से दिखाई देती है, हम जिसका रोज साक्षात करते हैं, अनुभव करते हैं, वह पहला द्रव्य माना गया है पृथ्वी को। पृथ्वी की परिभाषा तर्क संग्रह में तत्र गंधवती पृथ्वी, अर्थात जिस द्रव्य में गंध है वो पृथ्वी है। तो पृथ्वी से निर्मित जो भी वस्तुएं हैं, पृथ्वी पे उत्पादित उत्पन्न जो भी वस्तुएं हैं, वो सारी की सारी वस्तुएं गंधमान है, उनमें गंध है। यानी गंध की उत्पत्ति पृथ्वी के बिना नहीं हो सकती। तो पृथ्वी का लक्षण है तत्र गंधवती पृथ्वी। साच द्विधा आगे वो लिखते हैं, वो 2 प्रकार की है, नित्या अनित्या, एक नित्य और एक अनित्य। नित्य का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय नहीं हो, जो शाश्वत हो, जो नष्ट ही नहीं होती। अनित्य का मतलब है जो परिवर्तनशील हो, जिसमें चेंज आते रहते हैं, जो बदलती रहती। तर्क संग्रह में जो पहले 9 द्रव्य हैं, उन 9 द्रव्यों को इन 2 रूपों में बांटा गया है, नित्य और अनित्य।
पृथ्वी का भी नित्य रूप वह है जो परमाणु के रूप में है, अर्थात हम विज्ञान की दृष्टि से भी आकलन करें तो प्रत्येक पदार्थ का सूक्ष्मतम या सबसे छोटा अणु है वो परमाणु होता है। यहां हमारे दार्शनिकों ने कहा है नित्या परमाणु रूपा, पृथ्वी जो मैटर है, पृथ्वी जो द्रव्य है, उसमें भी उसका नित्यत्व परमाणु रूप में है, अर्थात वो परमाणु रूप कभी परिवर्तित नहीं होता, वो एक जैसा है, उसका ना क्षय होता है ना वृद्धि होती है। अनित्य कार्य रूपा, लेकिन जो अनित्य पृथ्वी का स्वरूप है वो कार्य रूप है, वो जगत में बदलता रहता है। हमें कहीं पृथ्वी मिट्टी के रूप में दिखाई देती है, कहीं पत्थर के रूप में दिखाई देती है, कहीं पर्वतों के रूप में दिखाई देती है, लेकिन उसका नित्य रूप है, वो परमाणु रूप है, सूक्ष्म रूप वो सदैव एक है, और कार्य रूप है वो अलग अलग है। उदाहरण के लिए मिट्टी है, मिट्टी का परमाणु रूप में जो उसका मृतकत्व है, मिट्टी का गुणधर्म है, वो सदैव नित्य है। अब उस मिट्टी से हमने घट निर्मित कर लिया, वो उसका कार्य रूप हो गया, उसको हमने एक फॉर्म दी है, उसका तत्व मिट्टी ही है, द्रव्य मिट्टी है, लेकिन फॉर्म के रूप में वो क्या है, घट है, वो कार्य रूप हो गया। अब घट नित्य नहीं है, क्या है, अनित्य है, क्योंकि घट है वो 2-4-5 साल में टूट जाएगा, और टूट कर पुनः क्या बन जाएगा, वही नित्य रूप जो परमाणु रूप है वही मिट्टी में वापस परिवर्तित हो जाएगा। इस तरह से तरक संग्रह में जो 5 द्रव्य है, पृथ्वी, वायु, तेज, जल और आकाश, इन 5ों द्रव्यों को नित्य और अनित्य रूप में विभाजित किया गया है। तो हम पृथ्वी को सरलता से सीख लेंगे कि भाई नित्यत्व और अनित्यत्व क्या है, तो आगे भी हमें जो अन्य द्रव्यों को पढ़ेंगे, 5 जो 4 शेष बच रहे हैं, तो वहां पे सुविधा होगी। आज के इस संक्षिप्त परिचय में इतना, शेष हम कल पढ़ेंगे।